नमस्कार। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से मैं नम्रता शर्मा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज संपूर्ण भारत गौरवान्वित है कि उसका नेतृत्व एक ऐसे नायक के हाथ में है जो मजबूत इरादों के साथ, निश्चयात्मक और सकारात्मक सोच के साथ तथा दृढ़ निश्चय है, कृत संकल्प है अपने देश, देशवासियों और मानवता के प्रति। श्री रामावतार त्यागी की पंक्तियां दोहराना चाहूंगी जो जीवन दर्शन है महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के आधार स्तंभ उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग का। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। महावीर स्वामी के जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेक शुभकामनाएं। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आर्याणम, णमो वज्झायाणम, णमो लोए सर्वसाहणम। आज डॉक्टर गर्ग ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर आप सभी से यह अपील की है कि सभी महावीर स्वामी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, उनके दिए हुए मूल्य वचनों जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और संयम जैसे मूल्यों को अगर वे अपने जीवन में उतारें और शाकाहार को अपनाएं तो इन शिक्षाओं का पालन ही कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ने में हमारे इरादों को मजबूती देगा। अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी ने अपने आधार स्तंभ डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से प्रेरणा ले पीएम केयर्स फंड में देश हितार्थ 51 लाख रुपए की राशि जमा कराई और ऐसा करके ये एक ऐसा पहला शिक्षण संस्थान बना। श्री मोदी जो भी संकल्प लेते हैं डॉक्टर गर्ग उस संकल्प को दोहराते हैं और संपूर्ण मेट्स परिवार उस संकल्प का अक्षरशः साथ देता है। आज श्री मोदी को महात्मा कहा जा रहा है और मेट्स परिवार के लिए तो श्री मोदी का प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि माँ भारती ने देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए और देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए ही ऐसे सुपुत्र को तैयार किया है। आज श्री मोदी को देश भर में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में उनके आदर्शों के लिए जाना जा रहा है। कल 5 अप्रैल 2020 की रात्रि 9:09 के लिए पूरी दुनिया ने देखा कि इस संकट की घड़ी में भी भारत आशान्वित है, दृढ़ निश्चय है और कृत संकल्प है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ पूरा देश लड़ने को तैयार है, क्योंकि भारत के पास आशा, उत्साह, सेवा भाव और त्याग की ज्योति है और ये ज्योति न केवल बाहर के अंधकार को हरती है अपितु ये अंतर मन के तम को भी हरती है। ये संकट की घड़ी में ज्योति इस अंधकार को चीर डालती है और स्थापित करती है सबके मन मंदिर में एक अटूट विश्वास माँ भारती के चरणों में। हम प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रत्येक वचन का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रोफेसर नीलम शर्मा निदेशक मेट की ओर से मैं गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूंगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। और इस कविता में एक संदेश छिपा है हमारे विद्यार्थियों के लिए और वो ये कि विद्यार्थी अब अपने अध्ययन के प्रति सीरियस हो जाएं और अपने समय का सदुपयोग करें, स्वाध्याय करें, उनको उनके शिक्षक ई मटेरियल, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, असाइनमेंट्स और क्विजेज उपलब्ध करवा रहे हैं
और विद्यार्थियों को असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट भी करना है, इसलिए अब उन्हें मुस्तैदी से अपने अध्ययन के प्रति ध्यान देना होगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। प्रोफेसर नीलम शर्मा निदेशक मेट और प्रोफेसर रवि कुमार गुप्ता निदेशक मेम्स के निर्देशन में सभी फैकल्टी मेंबर्स ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं और प्रोफेसर एसएस देसवाल डीन एकेडमिक्स लगातार सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। उनका कहना है कि विद्यार्थियों को अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में भी जुट जाना चाहिए और उनको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए और विद्यार्थियों को यदि किसी विषय में कोई डाउट्स क्लियर करने हों तो वो अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना है हमारे विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, अपनी पढ़ाई को लेकर वे गंभीर हो जाएं, परीक्षाओं की तैयारी करें क्योंकि इस सेमेस्टर को खत्म होने में अब अधिक समय नहीं है, इसलिए वे ध्यान दें कि उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का वो पूरा पूरा लाभ उठाएं, पूरा उपयोग करें, अपने टीचर्स से संपर्क में रहें, पढ़ाई करते रहें और किसी भी प्रकार के कभी भी लिए जाने वाले एग्जाम के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि हमें इस बाबत नोटिस मिला है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर का और महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के निदेशक प्रोफेसर नीलम शर्मा ने भी इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है। एक और जरूरी सूचना है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने सत्र 2020-21 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाकर 17 अप्रैल सुनिश्चित कर दिया है। अतः जो भी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी आपके संपर्क में हों उनको ये सूचना अवश्य दें। यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है 9560313682 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9971616992। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बेहतर शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है, अतः आप सभी विद्यार्थियों से कहें जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं कि वे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से पहले करा लें। प्रोफेसर एसएस देसवाल डीन एकेडमिक्स ने हमारे साथ कुछ पंक्तियां शेयर की हैं, उनको दोहराना चाहूंगी। तूफान के हालात हैं, न किसी सफर में रहो, पंछियों से गुजारिश है अपने शजर में रहो। माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर, वक्त का तगाजा है अपने ही शहर में रहो। तुमने खाक छानी है हर गली चौबारे की, थोड़े दिन की तो बात है अपने घर में रहो। पूरी दुनिया एक अदृश्य शत्रु से जूझ रही है और नीति तो ये कहती है कि जब शत्रु आपका अदृश्य हो तो आपको भी अदृश्य हो जाना चाहिए, यानी अपने अपने घरों में छिप जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स और सुरक्षा बलों के सिपाही जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उन सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए, मानव कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ, शुभकामना के साथ मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।